तो बीर में पहुंचने के बाद जहां पर हम पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं, हमने एक होमस्टे में अपार्टमेंट लिया है। इस होमस्टे का नाम है वूपर्स होमस्टे। इनका हॉस्टल भी है जस्ट दो प्रॉपर्टी छोड़ के, और ये है होमस्टे। तो हमने होमस्टे में रूम बुक कराए हैं। तो आइए देखते हैं, फ़िलहाल आप नज़ारा देखिए। अच्छा बनाया हुआ है, वेल मेंटेन्ड, वेल पेंटेड। और होम स्टे के बिल्कुल सामने चाय के बगान हैं। आप देख सकते हैं लेडीज़ यहाँ पर चाय की पत्तियाँ प्लक कर रही हैं, जो शायद फिर फैक्ट्री में जाएंगे आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। बट चाय के बगान पे हम बाद में आएंगे, फ़िलहाल चलते हैं होम स्टे के अंदर और आपको दिखाता हूँ अपना रूम और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं रूम के अंदर। होम स्टे का जो मैनेजमेंट है वो आपको स्कूटी रेंट पे भी प्रोवाइड कर देंगे, पैराग्लाइडिंग भी आपको यहीं से ही प्रोवाइड हो जाएगी, पिक एंड ड्रॉप पैराग्लाइडिंग की यहीं से ही हो जाएगी। 3000 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस हैं पैराग्लाइडिंग के, जिसमें 20 मिनट्स की पैराग्लाइडिंग होती है। उसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके देंगे एंड पिक एंड ड्रॉप भी करके देंगे। तो मेरे होम स्टे का आप देख सकते हैं, ये इनका लोगो है, इनकी वेबसाइट, यू कैन विजिट दिस वेबसाइट फॉर बुकिंग। हमने booking.com से इस होम स्टे की बुकिंग कराई थी। ये एंट्रेंस है, थोड़ा ग्रेवल पाथ बनाया हुआ है इन्होंने, सामने थोड़ी इन्होंने गार्डनिंग की हुई है जिसमें इन्होंने थोड़े अनियन उगाए हैं, थोड़ा धनिया समझ में आ रहा है मुझे, धनिया के पत्ते उगाए हैं, आगे शायद मूली लग रही है बट आई एम नॉट श्योर। सामने भी कुछ अच्छे से फ्लावर्स लग रहे हैं। तो ये है इसका फ्रंट, एज इन द बैक एरिया फ्रॉम द एंट्रेंस। आइए ऊपर चलते हैं। तो ये एक कॉमन समझ लीजिए लॉबी एरिया है, जहाँ पर लोग शाम को बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पर ये सारी लाइट्स जल जाएंगी शाम को, पीने के लिए वाटर डिस्पेंसर्स हैं। यहाँ पर थोड़े मिरर्स लगे हुए हैं, इधर एक पेंटिंग है, एंड दीज आर माय रूम्स। दो रूम्स लिए मैंने, पहला रूम दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ माई फर्स्ट रूम। यहाँ पर एक मिरर है, एक टेबल और कबर्ड है, एक बेड, सम विंडोज और किचन है अटैच्ड अलॉन्ग विद यूटेंसिल्स एंड सम वेसल्स, कप्स, मसाले, कटलरी, गैस स्टोव सब कुछ है। ये मेरा सेकेंड रूम है जिसमें अगेन मिरर है, सम स्विचेस, क्लोजेट, बेड, कुछ लैम्प्स लगाए हैं, फैन अवेलेबल है, बहुत बड़ी सी एक पेंटिंग है, एंड देन
दिस इज़ द बाथरूम एरिया। बाथरूम एक ही है दोनों रूम्स के लिए एंड किचन एक है दोनों रूम्स के लिए। टीवीज नहीं है दोनों रूम्स में, सो प्रॉब्ली द आइडिया इज़ टू डिसकनेक्ट फ्रॉम ऑल द टेक्नोलॉजी, ऑल द हैबिट्स दैट वी हैव इन द सिटी एंड जस्ट एन्जॉय द नेचर। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ आपको जो मेरे रूम के साथ अटैच्ड है, वो है यहाँ का ओपन स्पेस, जिसमें ये है सिटिंग एरिया है, शाम को आप वेदर एंजॉय कर सकते हो, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ टी, सम पेंटिंग्स ऑन द वॉल, लाइट्स जल जाएंगी सारी शाम को यहाँ पर, एंड द व्यू फ्रॉम द बालकनी ट्रूली ब्रेथ टेकिंग, शाम को तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ से रास्ता जाता है ये टूवर्ड्स बीड सिटी, एंड मुझे बताया गया है कि यहाँ से जाके बीड सिटी की मार्केट एंड कैफेज़ वगैरह आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो मैं शाम को जाऊँगा एक्सप्लोर करने और आपसे भी शेयर करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा कि यहाँ की विसिनिटी में और क्या क्या अवेलेबल है। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कभी बीर बिलिंग आने में तो डेफिनेटली ये बुक कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बींग डेली हाइट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय।